सवाल ये है कि हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने कहा है कि सर इसमें हमें मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं। तो बिल्कुल ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे, मल्टीपल लेजर्स बनेंगे। यहाँ क्रिएट पे आएंगे तो यहाँ पे लेजर दिया गया है, आप इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया लेकिन यहाँ पर तो ये सिंगल लेजर का ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से मोर डिटेल पे जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मोर डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा कुछ मल्टीपल लेजर का ऑप्शन, तो यहाँ पर भी आपको कम से कम मल्टीपल लेजर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे सो इनएक्टिव पे जाते हैं तो भी यहाँ मल्टीपल लेजर्स का तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो मल्टीपल लेजर्स कहाँ से आएंगे? और यहाँ पे जाएंगे तो कॉन्फिगर पे, तो ऐसा भी नहीं है, कॉन्फिगर में भी मल्टीपल लेजर्स का तो ऑप्शन नहीं आएगा कहीं पर भी आप देखेंगे तो। ठीक है ना, तो मल्टीपल लेजर्स कैसे इसमें आएगा और कैसे मल्टीपल लेजर्स को एक्टिवेट करेंगे? बड़ा आसान है, देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सी ट्रिक है। अब यहाँ पर भी देखिए, स्टॉक आइटम भी अगर मल्टीपल आपको बनाना है और आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से बना लेंगे तो यहाँ से तो बन नहीं पाएगा, तो फिर कहाँ से बनेगा? आखिरकार मल्टीपल लेजर्स या मल्टीपल स्टॉक आइटम की जब भी बात आती है तो कंफ्यूजन होती है, तो ये कहाँ से बनेगा, आइए बताता हूँ। देखिए यहाँ से पहले बाहर आ जाइए, बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, बाहर आ गए। ये टैली की मेन मेन्यू है, कौन सी मेन्यू है? मेन मेन्यू यानी गेटवे ऑफ टैली है ये। और यहाँ से आपको क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट नाम का ऑप्शन है, आपको माउस का यूज करने की जरूरत ही नहीं। आपका कर्सर देखिए, मैं थोड़ा सा माउस यूज भी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये आपका कर्सर कहाँ पे है, क्रिएट वाले पे है, येलो कलर में हाईलाइट है, मतलब कर्सर आपका वहीं पर एक्टिवेटेड है। आपको नेविगेशन की दबाना है, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वाली कीज जो दी गई है कीबोर्ड में उसको दबाइए, बॉटम वाली की, बॉटम वाली की दबा के कहाँ आ जाइए, चार्ट ऑफ अकाउंट पे। चार्ट ऑफ अकाउंट का एच आपको पहले से हाईलाइट दिख रहा था, देखिए यहाँ पर एच जो है ब्लू कलर में हाईलाइट है, तो आपको एच प्रेस करना है और एच प्रेस करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो आप लेजर पे जाइए, और लेजर पे जाने के बाद यहाँ पर किनारे देखिएगा जरा, ये लिखा हुआ है राइट साइड में मल्टी मास्टर। तो अगर मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं तो अल्ट के साथ एच प्रेस कीजिए। अल्ट ही क्यों, कैसे पता कि अल्ट के साथ? तो यहां पर देखेंगे तो नीचे एक लाइन सी बनी हुई है, मतलब ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है, तो अल्ट के साथ प्रेस कीजिए एच, और यहाँ मल्टी क्रिएट ऑप्शन आ जाता है। अब यहां से मल्टी क्रिएट आप कर लीजिए, मल्टी क्रिएट ऑप्शन पे जाइए और ये मल्टीपल लेजर्स वाला ऑप्शन ओपन हो गया। देख सकते हैं ना, एकदम आसान है, एकदम क्लियर है, बहुत ही आसानी के साथ ये काम आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अब यही मल्टीपल स्टॉक के लिए भी यही काम कर सकते हैं आप। मल्टीपल स्टॉक के लिए क्या करेंगे, तो यहां से देखिए, यहां से पहले बाहर आ जाइए, और अब स्टॉक आइटम बनाना है तो वही चार्ट ऑफ अकाउंट पे रहते हुए एंटर करिएगा और एंटर करके आ जाइएगा स्टॉक आइटम पर, और एंटर करिएगा। और मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाने हैं तो मल्टी मास्टर पर जाना पड़ेगा, तो अल्ट के साथ एच प्रेस कर दीजिए, मल्टी क्रिएट आ गया, यहां से आप बना लीजिए। यहां पर आप कैटेगरी भी बना सकते हैं आसानी के साथ, मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट करके आपको दिखाता हूं कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्टेड है, ये देखिए ये ऊपर ऑल आइटम सेलेक्टेड है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज का ग्रुप बना करके स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप मैंने पहले से बना रखा है। अगर आप ग्रोसरी का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहां लिख दीजिए ग्रोसरी, ग्रोसरी मैंने होता है किचन का आइटम। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिएगा ग्रोसरी, जैसे मैं लिख रहा हूं ये हो गया ग्रोसरी। अब एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और इसे प्राइमरी ही रखिएगा और यहां पर ये सब छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही करके एंटर कर दीजिएगा। अब ग्रोसरी के ग्रुप में आटा आएगा, दाल आएगा, चावल आएगा, सारी चीजें आएंगी, तो यहाँ पे अल्ट सी करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट लिखिए अल्ट सी, तो यहाँ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखिए आर आई सी राइस लिख दिया, एंटर किया। ठीक है, कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट पहले से है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ले ही लीजिए, राइस जब पहले से है तो बनाने की क्या जरूरत है, कुछ और बना लेते हैं। यहाँ पल्स कर देंगे, पी यू एल एस ई, देखते हैं ये है या नहीं, तो देखिए पल्स नहीं है। अच्छा, पल्स बिकेगा या खरीदा जाएगा तो किसमें, क्वांटिटी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, आवर्स होगी कि मिनट होगी कि किलोग्राम होगी, जाहिर सी बात है किलोग्राम होगी। ठीक है, तो किलोग्राम कर दीजिए और यहाँ 60 किलो 70 किलो जो भी है वो डाल दीजिए, और डाल करके यहाँ पे कीमत डाल दीजिए, जैसे 120 रुपए किलो दाल है तो यहाँ पे 120 रुपए किलो डाल दीजिए। इसके बाद जो अगला स्टॉक आइटम है वो है मस्टर्ड ऑयल का, तो यहाँ पे कर दीजिए मस्टर्ड ऑयल, अगर ये होगा तो नहीं आएगा और नहीं होगा तो आ जाएगा। देखिये ये भी ग्रोसरी के ही अंदर बन रहा है, और इसको भी हम किलो या मिली लीटर कर सकते हैं या लीटर में कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर के एक अलग से स्टॉक आइटम एलटीआर कर देते हैं, इसका फॉर्मल नेम लीटर कर देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और ये लीटर किलो लीटर मिली लीटर आ जाएगा, तो ये लीटर आ गया है, यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर करके इसको भी बना लेते हैं। तो हमारे पास 30 लीटर है, कितना है 30 लीटर, और 1 लीटर की खरीद रेट कितनी है 130 रुपए 40 रुपए ऐसे करके है, तो यहाँ डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूँ, मल्टीपल स्टॉक आइटम देख रहे हैं, और ये बन गया देख रहे हैं।
तो ये बहुत ही आसान है और आसानी के साथ स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं और लेजर्स भी बना सकते हैं और इनका परचेज सेल्स और कहीं पर भी यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है।